सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज एक काफी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूँ आप सभी को। उससे पहले मैं बता दूं, एक लंबी चौड़ी ट्रिप मॉनसून ट्रिप से मैं होके आया हूँ, और जिसमें मैं बात करूँ 600 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली और गाड़ी बिल्कुल अंदर से गंदी हो रखी है। और साथ ही साथ इसको एक इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी दिखाए जाएं कार केयर के, जिसके थ्रू आप अपनी कार को हेल्प कर सकते हैं एक अच्छी शाइन मेंटेन करने के लिए, एक अच्छा ग्लॉस मेंटेन करने के लिए। और बेसिकली मैं कहूँ एक कार केयर प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स के, वो सारा कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और प्रॉपर वॉशिंग भी दिखाऊंगा कि प्रॉपर वॉशिंग के स्टेप्स क्या होते हैं अगर आप घर में वॉशिंग करना चाहते हैं खुद से, और उसके प्रॉपर स्टेप्स क्या होते हैं। बाकी गाड़ी प्रॉपर अभी गंदी हो रखी है, एक बार मैं आपको बाहर से भी दिखाता हूँ चल के। तो अगर आप यहाँ से साइड लुक से देख सकते हैं, गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी है और यहाँ से प्रॉपर ये कीचड़ से भरी हुई है, टायर्स भरे हुए हैं ऊपर बोनट से लेके, प्रॉपर ऑल ओवर कार जो है पूरा मड हो रखा है कार को। तो चलते हैं इसकी एक वॉशिंग करवाने और देखते हैं कि एंड रिजल्ट्स क्या आते हैं, और प्रोडक्ट्स भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाड़ी धुलवाने का पहला स्टेप यही है कि जो भी इसके अंदर बेसिकली मड होती है या कोई भी टाइप की गंदगी डस्ट वस्ट है, उसको ये प्रॉपर क्लीन कर देते हैं हाई प्रेशर एयर से। और ये जो बाहर आउटर में जितनी भी इसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स लगे हुए हैं, अगर आप यहाँ देखें तो इसको जो पानी है उससे क्लीन किया जाता है प्रॉपरली, हाँ, अपना प्रेशर वॉशर से। पर्सनली मैं गाड़ी खुद भी धो सकता था, बट प्रॉब्लम क्या थी ना कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट चिपकी हुई थी। अगर आप खुद नोट डाउन करें तो ये प्रॉपर ट्रिप से चल के आई थी, और ट्रिप से चलने के बाद गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है पर्सनली। तो फिर पर्सनल मैंने सोचा कि यार खुद इतनी मेहनत क्यों करनी, एक प्रॉपर अच्छे जगह से वॉश करवा ली जाए। और प्रोडक्ट की यहाँ पे मैं बात करूँ तो प्रोडक्ट मैं खुद यहाँ पे जो यूज़ करने वाला हूँ, तो जो कार प्रोडक्ट मैं यूज़ करने वाला हूँ वो मफ्लेक्स ब्रांड का बकेट वॉश है शैम्पू। ये बेसिकली कार को अच्छे तरीके से वॉश करेगा और जितने भी इसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स कार के ऊपर हैं वो हटाएगा, रिमूव करेगा। और साथ ही साथ मैं बात करूं, यहाँ पे जो है ये एक प्रॉपर गाड़ी के ऊपर एक क्लीन सरफेस की लेयर छोड़ेगा, शाइनी सरफेस की, क्योंकि इसके अंदर वो कंपाउंड्स और वो चीज़ें डाल रखी हैं कि इसके अंदर आफ्टर वॉश आपको एक शाइन मिलेगी पेंट के ऊपर। तो वो शाइन आपको यहाँ पे प्रॉपर महसूस होगी जब आप ये प्रॉपर जो बकेट वॉश शैम्पू है ये यूज़ करेंगे। और आपको ये सारे प्रोडक्ट्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी गाड़ी को। मैं एक बार पहले आपको मैं बता चुका हूँ कि एक बार इसको प्रॉपर जो है रिंस आउट हो जाने देते हैं पानी से, उसके बाद मैं इसको इस जो शैम्पू है उससे वॉश करवाऊंगा। टायर्स आप खुद देख सकते हैं कितने ज़्यादा गंदे हो रखे हैं, यहाँ पे रनिंग बोर्ड पूरा सड़ रखा है क्योंकि मॉनसून सीज़न है, मॉनसून सीज़न में गाड़ी गंदी होती ही है और काफ़ी ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो पहले प्रॉपर एयर वॉश यहाँ पे हो रहा है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो एलॉय है, खास करके बेसिकली एलॉय वाला एरिया, उसको ये एक नॉर्मल सोपी वाटर से साफ़ कर रहे हैं, और जो बाकी गाड़ी वाला जो एरिया है वो मैं अपने प्रॉपर बकेट वॉश शैम्पू से मफेक्स ब्रांड के प्रॉपर इससे करवाऊंगा। तो इसके भी प्रॉपर आपको फोम दिखाऊंगा, काफ़ी अमेजिंग फोम इसके अंदर निकल के बनती है और काफ़ी अच्छी शाइन आपको ये ऑफर करता है वॉशिंग के बाद। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप इसको कोई भी क्लोथ के ऊपर ले सकते हैं, और या तो आप बाल्टी में भी इसको ले सकते हैं, और इसको अगर आप कार के ऊपर रब करेंगे तो काफ़ी अमेजिंग, यहाँ पे आपको खुद देख सकते हैं एक इंस्टेंट फोम यहाँ पे निकल के आया है एकदम से, जस्ट उसको रब करते हुए कपड़े के ऊपर। और अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ इसको अगर हम यूज़ करते हैं कार के ऊपर, तो काफ़ी अमेजिंग तरीके से यहाँ पे आपको फोम दिखेगा यूज़ होते हुए। और पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अमेजिंग तरीके से आपको एक अच्छा फोम होता हुआ दिखेगा, और काफ़ी अच्छे से इसने पूरी कार को जो है वो कवर कर लिया है। और प्रॉपर अगर मैं बकेट की भी बात करूँ तो बकेट में मैंने यहाँ पे इसको प्रॉपर मिलाया है, और उसमें अगर हम यहाँ पे बात करें तो प्रॉपर एक फोम आपको यहाँ पे होता हुआ दिखेगा। आप अगर खुद देख सकते हैं कि एक बकेट फोम, बकेट वॉश शैम्पू नहीं, कितनी अमेजिंग यहाँ पे फोम जो है वो लेके आ चुकी है। और एक बार इसको वॉश हो जाने देते हैं, उसके बाद चेकआउट करेंगे इसका फाइनल लुक निकल के कैसा निकल के आता है। तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं पूरी कार को फोम ने जो है वो कवर कर लिया है, और ऊपर की तरफ भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है वो प्रॉपर फोम कवर कर रहा है। तो ये चीज़ होती है कि एक अच्छे शैम्पू से जो आपकी कार है वो वॉश होती है, तो एक क्लियर आपको यहाँ पे मैं बात करूँ एक क्लियर आउटपुट देखने को मिलता है। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपकी जो कार है वो आपके जो पेंट है बेसिकली उसको डैमेज करने से बचाता है। एक लिमिटेड पीएच लेवल पे जो है ये शैम्पू बनाए जाते हैं पर्सनली कार के पेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपकी जो स्किन है हाथ की उसको भी प्रोटेक्ट करते हैं। ये बात करें तो एक प्रॉपर शैम्पू का अगर आप यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं इफ़ेक्टिव होता है आपकी कार को बचाने के लिए, केयर करने के लिए,
और नॉर्मल अगर मैं बात करूँ, अगर आप सर्फ से धोते हैं या फिर क्लिनिक प्लस शैम्पू से जो नॉर्मली लोग धोते हैं, तो उससे बेटर तो यही है कि आप अगर वॉश कर रहे हैं अपनी कार को तो प्रॉपरली एक अच्छे शैम्पू से वॉश करें, कार शैम्पू से वॉश करें। तो टायर्स भी इसके अंदर है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप उसी से वॉश कर सकते हैं। कार बहुत ज़्यादा गंदी थी और प्रॉपरली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्लीनिंग हो रही है कार की। तो यहाँ से अगर हम देखें तो प्रॉपर कार को जो है हमने फोम वॉश के अंदर पूरा वॉश कर दिया, जितना है मैक्सिमम फोम बन सकता था एक बकेट के अंदर उस हिसाब से हमने इसके अंदर फोम बनाया। और प्रॉपरली अगर मैं बात करूँ तो हमने इसको प्रॉपर फोम के अंदर कवर कर दिया है। जितनी भी डस्ट थी अगर हम देखें तो ये खुद उतर रही है फोम शैम्पू के ऊपर से। अब इसको रिंस ऑफ करेंगे पानी से, उसके बाद मैं आपको इसकी शाइन दिखाऊंगा कि कितनी ज़बरदस्त शाइन निकल के आती है। अब पानी मारना स्टार्ट हमने कर दिया है और जो प्रॉपर अगर मैं बात करूँ, अगर आप खुद देखें तो ये डस्ट खुद उतार रहा है अपने आप ये फोम। तो ये शैम्पू की यही खासियत है कि ये जो डस्ट पार्टिकल्स है उसको खुद एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉपर जो इसके अंदर शैम्पू की लेयर थी वो हमने उतार दी है और जो भी डस्ट पार्टिकल था वो इसके साथ ही उतर जाता है गाड़ी के ऊपर से और एक क्लियर शाइन निकल के आ रही है गाड़ी के अंदर से। अगर हम देखें तो कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से पेंट जो है वो ग्लॉस निकल के आ रहा है, जो ग्लॉसीनेस है पेंट की वो प्रॉपर निकल के आ जाती है। तो यही चीज़ होती है कि अगर आप एक अच्छे शैम्पू से कार को धुलवाते हैं उसके मेंटेन्ड पीएच लेवल पे, तो गाड़ी जो है वो एक अच्छे जो है उसकी पेंट भी रहती है, पेंट क्वालिटी भी एक अच्छी मेंटेन रहती है। तो आफ्टर वॉश अगर मैं बात करूं तो कितनी ज़्यादा क्लियर ग्लॉसीनेस निकल के आई है पेंट के ऊपर से, कोई भी यहाँ पे आपको मड स्टेन नहीं दिख रहे, जितने भी मड स्टेन थे वो निकल चुके हैं गाड़ी के ऊपर से और जो पेंट है पेंट के ऊपर एक सेरामिक शाइन आ गई है कि अगर आप यहाँ पे खुद देखें तो अभी कोई भी कपड़ा गाड़ी के ऊपर नहीं लगा है और जितना भी इसके ऊपर से जो भी पानी था वो अपने आप रिंस ऑफ हो चुका है। पानी अपने आप जो बोनट है गाड़ी के बॉडी पार्ट्स हैं उसके ऊपर से खुद ही नीचे उतर चुका है। और पर्सनली अगर मैं बात करूं तो माइक्रोफाइबर क्लोथ भी अगर आप देखें तो ये 500 GSM का आपको देखने को मिल जाता है, जो इजीली अगर मैं बात करूं एक अच्छा अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसकी भी मैं आपको एक बार प्रॉपर टेस्टिंग दिखाता हूं। गाड़ी जो है वो प्रॉपर अभी वैसे गीली है, बट अगर यहां पे मैं बात करूं तो आपको एक क्लियर विजन दिखेगा। अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना ज़्यादा ड्रॉपलेट्स पानी की आपको सिर्फ मिरर्स पे देखने को मिलेगी। और अगर मैं इसको एक बार यहाँ पे मारता हूँ सिर्फ हल्का सा, तो अगर हम यहाँ देखें तो कोई भी आपको पीछे स्टेन्स नहीं देखने को मिलते हैं और यहाँ पे अगर हम देखें तो नीचे की तरफ आपको ड्रॉपलेट्स देखने को मिल रहे होंगे। बट अगर मैं बात करूं तो यहाँ नीचे की साइड आपको ड्रॉपलेट्स देखने को मिल रहे होंगे, सिर्फ मैंने यहाँ पे एक बार मारा है और उसके बाद ही जितनी भी ड्रॉपलेट्स थी उसने कवर आउट कर ली हैं। यहाँ पे भी अगर हम चेकआउट करें तो जस्ट मैं इसको ऐसे रखता हूँ और उसको एक बार हल्का सा वाइप आउट करता हूँ, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जितना भी पानी था, जितनी भी पानी की ड्रॉपलेट्स थी वो कवर आउट हो चुकी हैं। तो सेम अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो बैक मिरर में भी अगर आप देख रहे हैं तो ये जस्ट एक वाइप में ही जितना भी वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, आपको दोबारा से यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती माइक्रोफाइबर की। और ये एक खासियत होती है एक अच्छे माइक्रोफाइबर की। और अगर आप शैम्पू का कमाल खुद देखें तो गाड़ी के पेंट पे एज सच यहाँ पे कोई भी वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं है, सिर्फ अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे हल्की फुल्की आपको दिख रही होंगी। और अगर मैं इसको भी इससे एक बार मैं वाइप आउट करता हूँ तो आप खुद देख सकते हैं डिफरेंस कि वाइप आउट करा हुआ पार्ट और विदाउट वाइप आउट किया हुआ पार्ट में कितना मेजर डिफरेंस है। और सिर्फ एक ही वाइप का कमाल है, बार बार आपको हाथ नहीं लगाना पड़ता कार के ऊपर से जो पेंट के ऊपर जितना भी पानी की ड्रॉपलेट्स बची हुई हैं उसको रिमूव करने के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इस ब्रांड में आपको जो अंदर इंटीरियर पॉलिश है वो भी मिलती है देखने को। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप क्लियर डिफरेंस देखेंगे कि जो इंटीरियर पॉलिश का कमाल है वो कैसा निकल के आता है। अगर आप यहाँ देखें तो आपको स्पॉन्ज में लेनी है और यहाँ पे अगर हम देखें तो क्लियर हल्का सा यहाँ पे पॉलिश लगती है और कमाल दिख जाता है कि एक प्रॉपर शाइनीनेस आपको दिखेगी आपके सरफेस पे। अगर आपका कार को अगर 4-5 साल हो रखे हैं, डैशबोर्ड प्लास्टिक पैनल्स आपके बिल्कुल वो होते हैं ना जैसे डल पड़ जाना जिसे कहते हैं हम, वो पड़ चुके हैं, तो आप घर में रह के इसको खुद यूज़ कर सकते हैं अपनी कार के अंदर। और प्रॉपरली अगर मैं बात करूं तो आप अपने एक प्रॉपर डैशबोर्ड को एक शाइन दे सकते हैं, जैसे कंपनी से प्रॉपर शाइन निकल के आती है ना वैसी शाइन आपको यहाँ पे प्रॉपर ऑफर होते हुए दिखेगी। नहीं तो अगर बात करूं तो ऐसा कुछ प्लास्टिक जो है ना वो डल पड़ जाता है। और ऐसी अगर आपको शाइन चाहिए तो आप ये प्रॉपर जो ट्रिम सीरम क्रीम है वो यूज़ कर सकते हैं। ये लेदर सीट्स के लिए यूज़ हो सकती है, ये प्लास्टिक पैनल्स के लिए यूज़ हो सकती है, वेलाइन लेदर जो बेसिकली होता है उसके लिए भी यूज़ हो सकती है। तो वो चीज़ें हैं कि आप ये सारे उन चीज़ों के लिए भी ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो बात करूँ तो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं दिखाऊंगा आपको टायर पॉलिश। जो टायर पॉलिश है वो भी एक अच्छा खासा प्रोडक्ट है इस कंपनी का, जिसके थ्रू अगर मैं बात करूँ अभी तो टायर गीले हैं, गीले सूखने के बाद अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपको एक ही अच्छी खासी फिनिशिंग ऑफर करेंगे। सारे प्रोडक्ट्स के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेंगे, इनके इंस्टाग्राम पेज से आप ऑर्डर कर सकते हैं ऑफिशियली या फिर इनकी वेबसाइट से भी ऑर्डर डाउन आप कर सकते हैं। आपको टायर पॉलिश भी मिलती है और अगर मैं शाइन बताऊँ तो
कुछ काफ़ी अमेजिंग शाइन्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। रिजल्ट एंड रिजल्ट की बात करूँ तो ये प्रॉपर ट्रांसपेरेंट जेल है बेसिकली। वो जेल आपका लास्ट करता है 10 से 8 दिन। तो वो चीज़ें हैं कि अगर मैं बात करूँ, आप एक बार इसको लगा लेते हैं वीक में तो आपको कहीं ना कहीं 8 से 10 दिन ये इजीली चल जाता है। और काफ़ी अच्छी तरीके से इसकी आपको शाइन देखने को मिलती है कार के ऊपर, जो काफ़ी हेल्प करता है आपकी कार के लुक को एनहांस करने के लिए। प्लास्टिक ट्रिम के ऊपर भी मैंने यहाँ पे जो प्लास्टिक ट्रिम वाली सेरेमिक क्रीम थी वो मैंने यहाँ पे लगवाई है, ताकि एक इवन थ्रो लुक निकल के आए कार के ऊपर। अगर आप देख सकते हैं कि कार की शाइन ही प्रॉपर चेंज हो चुकी है, कार का एक प्रॉपर मैं बात करूँ लुक चेंज हो चुका है, स्टांस चेंज हो चुका है धुलने के बाद। आप पे अगर हम बात करें तो आपको मैंने 4 प्रोडक्ट्स टोटल दिखाए, जिसके अंदर पहला था बकेट वॉश, जो कि एक आपको काफ़ी अच्छी फिनिशिंग देता है पेंट को, पेंट सरफेस को। पीएच लेवल इसका मेंटेन्ड होता है, शाइनी आपको एक सरफेस प्रोवाइड करेगा, जिसके अंदर मैं बात करूँ पेंट बिल्कुल, पेंट के ऊपर कोई भी आपको हार्मफुल इफेक्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि पीएच लेवल काफ़ी अच्छे से मेंटेन्ड इसका आपको देखने को मिलता है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो डर्ट है उसको रिमूव करेगा, जितने भी यहाँ पे आपके रोड के ऊपर से कोई भी आपके ऊपर बेसिकली यहाँ पे मड लगती है वो यहाँ पे रिमूव होती है। मैंने आपको खुद होते हुए वो चीज़ें दिखाई कि जो पेंट के ऊपर जब शैम्पू ये लगा तो उसने खुद ही वो चीज़ें हटाना स्टार्ट कर दिया पेंट के ऊपर से। तो वो चीज़ें हैं, ये खासियत है। और प्रॉपर एक काफ़ी अच्छे अमाउंट में यहाँ पे फोम आपको देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें, आपको अगर आपके पास प्रॉपर गन वॉश है, जो प्रॉपर हाई प्रेशर वॉशिंग होती है फोम मशीन, अगर वो है तो आप इनके फोम, जो फोम शैम्पू हैं जिनके ऊपर और बहुत एक्सटेंसिव लेवल पे फोम बनती है बेसिकली मैं बात करूँ, तो आप वो भी परचेज कर सकते हैं। अगर आप घर में खुद कार धोते हैं तो आप इसको भी परचेज डाउन कर सकते हैं। तो ये एक बकेट लिस्ट में आपकी ज़रूर आना चाहिए बकेट वॉशिंग। सेकंड, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो बकेट वॉश करने के बाद एक अच्छा माइक्रोफाइबर ज़रूरी है, क्योंकि अगर यहाँ पे हम बात करें तो ये एजलेस माइक्रोफाइबर है, ये न्यू इंडिया में अभी आया है हाल फिलहाल में। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। मैंने आपको खुद दिखाया कि एक ही वाइप में इसने प्रॉपर जो पानी है वो एब्जॉर्ब किया, और यहाँ पे दूसरा आपको मौका नहीं लगता कि आप दोबारा इसको यूज़ करें एक ही सेम स्पॉट पे बेसिकली। तो वो चीज़ें मैंने आपको दिखाई, और बाकी ये सारा शूट मैं बाहर करता, बट बारिश आ चुकी है दोबारा से, तो क्या कर सकते हैं, गाड़ी धुलवाई हुई, उतना मज़ा नहीं आया। बट गाड़ी धोने में और प्रोडक्ट यूज़ के आफ्टर ऑल इफेक्ट में काफ़ी मज़ा आया, बट जब बारिश हो जाती है ना तो वो सारा मज़ा खिरकिरा कर देती है। बाकी टॉपिक पे आते हैं वापसी। तो 500 GSM इसकी प्रॉपर आपको ग्रिड मिलेगा माइक्रोफाइबर का, और ये एजलेस है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो आपको आफ्टर मार्केट में आजकल देखने को मिलते हैं ना माइक्रोफाइबर, जिसके अंदर एक साइड और दूसरी साइड दो अलग अलग लेयर्स होती हैं, उससे ज़्यादा ये वाटर एब्जॉर्ब करता है। इसकी वाटर कैपेसिटी जो एब्जॉर्ब करने की है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। अभी भी मैं एक बार आपको बाहर जाके, बारिश हो चुकी है तो पेंट के ऊपर जो बॉडी है उसके ऊपर पानी काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो चुका है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट चीज़ की अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो भाई इंटीरियर पॉलिश काफ़ी ज़रूरी हो जाती है, जिसकी गाड़ी को 5 साल हो जाते हैं, 2 साल भी हो जाते हैं, इनफैक्ट 6 महीने में ही गाड़ी का जो डैशबोर्ड पार्ट है ना, जितना भी ये प्लास्टिक ट्रिम वाला पार्ट में बेसिकली बात करूं, अगर आपकी सीट अपॉल्स्ट्री लेदर की है या विनाइल की अपॉल्स्ट्री है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक पार्ट के ऊपर आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ऑल ओवर अपनी कार के अंदर ये प्रॉपर, जो मैं बात करूं, ये सेरेमिक जिसके अंदर सीरम क्रीम आपको दी जाती है प्रॉपर, वो मैंने यूज़ करी है। इसके अंदर आपको लेवेंडर की आपको फ्रेग्रेंस देखने को मिलेगी, जो कि 15 से 20 दिन आपकी गाड़ी के अंदर रहेगी, डस्ट फ्री है, डस्ट ज़्यादा कैप्चर नहीं करती अपने पर ये। और पर्सनली अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ये मैंने हॉर्न पैड के ऊपर अपने प्रॉपर में यही लगाई थी आपके सामने, और बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है। इधर भी अगर हम देखें तो यहाँ पे भी आपको एक फिनिशिंग दिखेगी, एक प्रॉपर चमक दिखेगी चारों तरफ मैं बात करूं, बहुत अच्छे अमाउंट में यहाँ पे आपको प्रॉपर शाइनीनेस देखने को मिलती है इसके अंदर, और काफ़ी इजी टू यूज़ है। मैं बात करूं ऊपर आपको यहाँ पे बहुत ही एक अच्छे तरीके से एक होल मिलता है, जिसके अंदर मैं बात करूं पर्सनली आप इसको इजी टू यूज़ कह सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से एक बॉटल है, नॉर्मल बॉटल होल्डर में आ जाती है। अगर आप गाड़ी के अंदर रखना चाहते हैं और डेली यूज़ में इसको यूज़ करना चाहते हैं, जो अपनी कार से प्यार करते हैं बेसिकली। नेक्स्ट चीज़ की बात करूं तो भाई अगर हम बात करें बाहर के सेफ्टी में, या फिर बाहर के अगर हम बात करें बाहर के आउटर लुक एनहांसमेंट में, तो भाई जब अगर गाड़ी में एलॉय लगे होते हैं या ना भी लगे हों, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, बट अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, अगर आप अपनी टायर की वॉल को एक बहुत ही अच्छा क्लीन सोफिस्टिकेट लुक देना चाहते हैं कि ऐसा लगे कि जस्ट कार शोरूम से निकल के आई है जैसे पहले दिन आई थी घर में, वो वैसे ही उसकी जो शाइन है वो मेंटेन रहे बाहर से भी, तो शैम्पू का यूज़ तो मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट टायर पॉलिश है, ये भी पॉलिश नहीं है, एक जेल है, जेल बेस्ड टेक्नोलॉजी है, जो 8 से 10 दिन प्रॉपरली यहाँ पे आपके साथ रहेगी। और बेसिकली मैं बात करूँ तो गाड़ी के अंदर
गाड़ी को काफ़ी अच्छे तरीके से इम्प्रूव में गाड़ी को काफ़ी अच्छी शाइन देगी आफ्टर जो मैं बात करूँ बाहर के लुक से और एक्सटीरियर से लुक से बेसिकली। तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो बेसिकली ये सारे प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे इनकी वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेंगे मूवफ्लेक्स की। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं। पर्सनली मैंने खुद ये सारे प्रोडक्ट टेस्ट करे अपनी कार के अंदर और आपको रिजल्ट्स भी दिखाए, बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आया। स्पेशली मैं शैम्पू की बात करूँ तो काफ़ी अमेजिंग शैम्पू आपको देखने को मिलता है, अच्छी वाली क्वांटिटी में आपको देखने को मिल जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो 400 प्लस जो ml की क्वांटिटी है वो आपको देखने को मिलेगी, ऑलमोस्ट 500 ml आप बोल सकते हैं। तो वो है कि आपको ये देखने को मिल जाता है। इसके ऊपर भी आप इजी टू यूज़ आप इसको देख सकते हैं, आप इसको खोलेंगे नॉर्मली और पोर कर सकते हैं अपनी बकेट के अंदर। ये प्रॉपरली काफ़ी अच्छे तरीके से आपको एक फिनिशिंग देगा। 10 से 15 से 20 ml आप इसको 10 लीटर या 5 लीटर की बकेट में डाल सकते हैं। पर्सनली मैंने आपको ज़्यादा अच्छी टेस्टिंग सीधा सीधा जो है कपड़े के ऊपर डाल के दिखाई थी, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, बिल्कुल इंस्टेंट फोम जो बनता है ना, सोच के देखिए आपकी हल्के से एक क्लोथ के ऊपर इतना फोम इसने बनाया, तो अगर इसको हम प्रॉपरली बकेट में प्रेशर वॉशर के अंदर मिक्स करें तो वो कितना ज़्यादा अमेजिंग निकल के आएगा इसका रिजल्ट। और रिजल्ट मैंने आपको दिखाया, कार बिल्कुल ही चमक गई थी, कार के ऊपर पानी तक नहीं रुका, जो रुकना नॉर्मली रुक जाता है। अगर मैं बात करूं, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि अगर नॉर्मल हम कोई ऐसा कोई और शैम्पू यूज़ करते हैं या फिर कोई और भी क्लीनर यूज़ करते हैं कार को साफ़ करने के लिए, तो उसके ऊपर जो वॉशिंग के बाद है ना, तो वाटर ड्रॉपलेट्स काफ़ी ज़्यादा रुक जाती हैं। बट मैंने शैम्पू की एक चीज़ देखी कि एक सेरामिक इसके ऊपर एक शील्ड मेरे को देखा कि मेरी कार के पेंट के ऊपर उसने दी, जिसके थ्रू अगर मैं बात करूँ तो वाटर ड्रॉपलेट्स बिल्कुल रुकी ही नहीं गाड़ी के ऊपर। क्योंकि अगर मैं हम बात करें तो वॉशिंग के बाद वाटर ड्रॉपलेट्स रुक जाती हैं, और वो चीज़ें हमें यहाँ पे होती हुई दिखी। तो ऑल अराउंड मैं बात करूँ तो ऑल अराउंड प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इसको परचेज डाउन कर सकते हैं। काफ़ी अमेजिंग रिजल्ट्स आपको मैंने दिखाए इसके, और काफ़ी अमेजिंग तरीके से प्रोडक्ट्स ने काम भी किया। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाना, और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मिलता रहेंगे। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।